बलि शंकर भगवान का श्रावणी मेला 2024 का तीसरा सोमवार है और आप देख सकते हैं सुल्तानगंज नवमी गंगा घाट पर कांवड़ियों का जनसैलाब जो है वो उमड़ चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िया यहाँ पे आते हैं जल अभिषेक कर सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा जो कि 110 किलोमीटर है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में विलीन होकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं और बाबा वैद्यनाथ को जल समर्पित करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कांवड़ियों का जनसैलाब जो है वो उमड़ चुका है और इतना भीड़ आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। ये सुल्तानगंज नमामि गंगा घाट की साफ तस्वीरें आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में विलीन हो चुके हैं कांवड़ियाँ, अलग अलग कांवर लेके बाबा धाम को प्रस्थान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सोमवारी है, हम जल चढ़ाने जा रहे हैं और क्या। हाँ, श्रद्धा बोलो, भक्ति से जा रहे हैं घर परिवार। कहाँ से? अकेले हैं हम लोग, टाटा से हैं। कहाँ से? जमशेदपुर झारखंड। बहुत अच्छा, क्या सोमवारी है? बहुत खुशी मिला है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। इतना भक्त का भीड़ लगा हुआ है कि देख के बहुत मन खुश हो रहा है। अच्छा बम जी, पहले आप बताएं कहाँ से हैं, क्या नाम? सीतामढ़ी जिला से हैं। सीतामढ़ी जी, कोयली मेरा गांव पड़ता है। अच्छा। वहीं से हम लोग चल कर आए हैं रात में और अभी स्नान स्नान करने के बाद, जल बोझने के बाद, पूजा करने के बाद यहाँ से निकले हैं। कोई दिक्कत उक्कत भी हुआ? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुआ है। दिक्कत नहीं, नहीं बाबा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत देते ही हैं, वो सब प्रतिज्ञा है उनका, सब लीला है उनका, देखते हैं। भगवान भोलेनाथ का कूट कूट के भरा है श्रद्धा? जी जी, पूरा दिल में भरा, देखते हैं क्योंकि अंग खड़ा हो जाएगा पूरा। अच्छा, पूरा दिल से उनको मानते हैं। पूरा दिल से जी। क्या श्रद्धा है? हमारे श्रद्धा कुछ नहीं है, उनका सब आशीर्वाद है। सब आशीर्वाद बस, हम जायजे बनाए रखे, वो कुछ नहीं है और क्या चाहिए, कुछ नहीं। कब निकलना है? अब जस्ट थोड़ा सा बात निकलना है। कैसे जाना है? पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे जी। कितना दिन में पहुँच जाएंगे? दो दिन, तीन दिन लगे, पैदल ही जाना है। पैदल जाना? हाँ। तो भोलेनाथ के भक्ति में पूरा विलीन? जी, पूरा दिल से बोले। तो जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, जनसैलाब है कांवड़ियों को, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे अपना लाइन से, कतार से आए, अपना स्नान करें और लाइन से ही निकले। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा है, थोड़ा सा शासन भी यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं है और लाइन से कतार नहीं है, घाट पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे भीड़ ना बनाए रखे अच्छा रहेगा। अच्छा। हम लोग का मरिया से यही आग्रह है। अच्छा। कि अपना लाइन से आए, लाइन से निकले, किसी को परेशानी ना हो। अच्छा। क्योंकि लेडीज़ बम है, बच्चे बम है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है जी, हमें ऐसा लगा। पहली बार जा रहे हैं बाबा? नहीं, ये मेरा दूसरा बार है। दूसरा बार जी। आप मालूम नहीं भाई से है? कौशाम्बी से। कौन सा जिला? मुरतगंज। कौन सा? कौन सा राज्य पड़ता है? नहीं पता। ककोड़ा का सिया। ककोड़ा का सिया। कब निकलना है? अभी जा रहे हैं दर्शन करने। अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, पूजा पाठ हो गया। हाँ, अभी नहीं। कौशाम्बी से आए। कौन सा राज्य है? राज मतलब कौशाम्बी। हाँ, कौशाम्बी। यूपी। यूपी। ऐसा बोलिए, यूपी से। यूपी से। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, हमको 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ। भीड़ कैसा है? भीड़ बहुत अब तीस साल। अच्छा, भोलेनाथ के मतलब पूरा विलीन है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया, अच्छा है, पहले तो अच्छा हो गया। अब पहले से अच्छा हो गया? हाँ, पहले अच्छा हो गया। अरे मतलब रहना ढहना, जाने का व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा। खाने पीना मिल रहा अच्छा। अच्छा। हाँ। हर हर महादेव। कहाँ से हैं बम जी? हम कौशाम्बी से। कहाँ से? कौशाम्बी से। कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी। कौशाम्बी है मुरतगंज भरवारी, लेकिन रहते इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में। इस सुल्तानगंज जो आए हैं नमामि गंगा घाट पे, यहाँ से कहाँ तक यात्रा है? अब यहाँ से तो अभी है कि यहाँ बाबा जी के जल चढ़ाएंगे, फिर बासुकीनाथ जाएंगे, फिर उसके बाद अभी सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ बनारस जाएंगे। अच्छा। अब देखो कहाँ कहाँ निकलते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। आप लोग कितने आदमी हैं? हम लोग हैं 30-32 आदमी हैं। 30-32। तो निकलना कब है? अभी अभी बस नहा वहा लिए, पूजा वूजा करवा लिए, अब निकल रहे हैं। मतलब पूजा वूजा हो गया? हो गया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था अच्छी है। अगर भगवान भोलेनाथ का क्या श्रद्धा है,
अब भगवान पूरा कर दें सब, हम आएंगे भाई जब तक पौरुख चलेगा। अच्छा, इसके पहले आप आए थे एक बार? हम पिछली बार आए, बाकी सब लोग तो आते हैं बहुत साल से। कितना बार जा रहे हैं बोलबम? हमारा ये दूसरी बार है। दूसरी बार है। जी, तो इस बार पिछले के तुलना में इस बार कैसा रहा? सही है, ठीक है। ठीक है, हाँ बढ़िया है। बोल, बलिया जिला। कहाँ से? बलिया जिला। बलिया से? बलिया से। पहली बार आए? नहीं, लगातार आते हैं। लगातार आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। मतलब पूरा जो है भक्ति में विलीन हो? हाँ हाँ, बाबा का भक्ति में विलीन है। अच्छा, कब निकलना है? अभी निकलना है, संकल्प हो गया है जल। हाँ हाँ, हाँ बाबा देवघर जाना है, पहुँचना है, बाबा बैजनाथ के जल चढ़ाना है। हाँ हाँ, उसके बाद बासुकीनाथ जाना है। बासुकीनाथ? हाँ 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 जी बाबा। कितना दिन में पहुँच जाइए? तीन दिन में पहुँच जाएंगे। तीन दिन में? कितना? तीन दिन। हाँ, अरे अढ़ाई दिन में पहुँच जाते हैं हम लोग। हाँ, और नहीं जाते हैं, बस एक घंटा दो घंटा रेस्ट करते हैं। हाँ, पहली बार आ रहे हैं, इसके पहले भी आए हैं? हाँ आए, इसके पहले भी आए हैं। 2010-11 से आते हैं बम जी। 2010-11 से हम लोग यहाँ पर आते हैं बाबा के दरबार में। अच्छा अच्छा, पिछले की तुलना में इस बार बहुत अच्छा है बम जी, व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ का, सब कुछ अच्छा है बम जी। गांजा उंजा लेके गए? हाँ बम जी, गांजा सब है, गांजा सब। काहे कि भोलेनाथ, वन मिनट, भोलेनाथ का जो है मेन प्रसाद जो है वो गांजा और भांग है। गांजा और भांग एकदम फुल्ली मस्ती, फुल गांजा, ओनली गांजा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पूरा मतलब जो है विलीन। हाँ एकदम बाबा विलीन है पूरा। आप लोग कितना आदमी है? 11 आदमी। 11? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या श्रद्धा है भोलेनाथ का? सब खुशी खुशी, भोले बाबा की कृपा है, दया दृष्टि बने रहे बाबा का। कैसे बने रहेगा दया दृष्टि? बना है बाबा का, बना रहेगा बाबा का, बढ़िया तभी बाहर हम लोग बाबा के हैं। क्या कैसे बना रहेगा? अरे बाबा का श्रद्धा समय है, बाबा हर साल हमको कुछ देते हैं, बाबा का कृपा हमेशा रहता है। हाँ हर साल, हर साल आते हैं। और क्या, अगले साल आएंगे? हर साल आते हैं हम लोग, हर साल आते हैं। हाँ हर साल आते हैं। अच्छा, इस बार आप देख पा रहे हैं कि भीड़ जो है काफ़ी संख्या में ज़्यादा है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ठीक है, जो शारदा है, शारदा से बम लोग का उत्साह है और बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ अच्छा है। हाँ, पिछले टाइम से इस टाइम में भीड़ काफ़ी भीड़ है। हाँ हाँ, काफ़ी भीड़ है, 10 आदमी है। अब समय कम है, तीसरा सोमारी है आज, अब दो सोमारी और बचेगा, इसलिए सब अपन चला रहा है। हाँ, भीड़ भीड़ तो बढ़ेगा। पहले से बढ़िया सुविधा हो गया, पहले से अच्छा सुविधा। क्या सुविधा? क्या सुविधा? बढ़िया से बहुत सुविधा हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। बहुत जनता चाह रहा है, चलिए अब अच्छा व्यवस्था हो गया, हर चीज़ है, चले जाए। पिछले की तुलना, पिछले बार की तुलना उससे क्या सुविधा? उससे भी बहुत बढ़िया है, और सुविधा हो गया है, सोने बैठने हर चीज़ की व्यवस्था हो गया। ठीक है, दुदुगो कंवरिया लेके चले हम डगरिया, ए अमा देवरु, ए अमा देवरु, ए अमा देवरु के पार पमुटाई मोटरी, हर हर महादेव, बलि बलि शंकर भगवान की जय जय। बोल।